सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की कॉपी अब क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध होगी, जिसका ऐलान सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने किया, जिसके तहत आज से क्षेत्रीय भाषाओं में कोर्ट के 1000 से अधिक फैसले उपलब्ध होंगे। ये ऐलान संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं तथा कोर्ट के फैसलों को पहुंचाने के लिए शुरू किया गया, जिसके बाद शीर्ष अदालत सभी अनुसूचित भाषाओं में अपने निर्णय प्रदान करने के अभियान में जुटा है। वहीं इस फैसले की जानकारी देते हुए CJI ने वकीलों को बताया कि शीर्ष अदालत गुरुवार को ESCR परियोजना के तहत एक हिस्से का क्रियान्वयन शुरू करेगी, जिसके तहत अनुसूची में दर्ज भाषाओं में फैसलों तक निःशुल्क पहुँच उपलब्ध हो सकेगी। इतना ही नहीं, इस योजना के बारे में अधिक जानकारी देते हुए CJI की ओर से कहा गया, हमारे पास ESCR है जिसमें अभी लगभग 34,000 निर्णय हैं। ये एक लचीली खोज सुविधा है। हमारे पास क्षेत्रीय भाषाओं में 1091 फैसले हैं, जिन्हें गणतंत्र दिवस पर उपलब्ध कराया जाएगा। हमारे पास उड़िया में 21, मराठी में 14, असमिया में 4, कन्नड़ में 17, मलयालम में 29, नेपाली में 3, पंजाबी में 4, तमिल में 52, तेलुगु में 28 और उर्दू में 3 फैसले हैं। गौरतलब है कि शीर्ष अदालत ने 2 जनवरी को इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स यानी ESCR परियोजना शुरू करने की घोषणा की थी, जिसके बाद अब वकील, कानून के छात्रों और आम जनता को इसके लगभग 34,000 निर्णयों तक मुफ्त पहुंच होगी। बता दें कि संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। इनमें असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बुड्डू, संथाली, मैथिली और डोगरी शामिल है। इन्हीं भाषाओं में अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले मिल सकेंगे। कोर्ट के फैसले ESCR परियोजना के अलावा शीर्ष अदालत की वेबसाइट, उसके मोबाइल ऐप और राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के निर्णय पोर्टल पर भी उपलब्ध होंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News24।